द स्क्रीन इज विजिबल. Yes, ma'am. Right. So what I've done is I've just closed the mandible. So you can see ये जो border दिख रहा है आपको, ये mandible का अच्छा सा border trace हुआ है. So now when I hide the original slot, you see there's a gap created here. Understanding? ये अच्छा खासा arch आपको मिल गया है mandible का यहाँ पे. So generally what we do is we'll wait for a minute more. So बाकी सब भी ज्वाइन कर ले. मैं पीछे का हिस्सा नहीं चाहिए होगा तो? नहीं चाहिए होगा ना. हाँ मैं अभी आई एम कमिंग टू दैट ओनली. हाउ विल वी एक्सट्रैक्ट रिमूव द पीछे का एरिया एंड नीचे का एरिया भी हम लोग मिनिमम कैसे रखेंगे. तो what I'll do is right. So moving ahead, मैं mandible switch on कर रही हूँ. तो अगर आपने तभी देखा वो boolean subtract हो चुका है, but since ये यहाँ पे नीचे connected है, ये आपका पीछे का part पूरी तरह से extract नहीं कर पाया, right? Assuming that हमको यहाँ पे इस रीजन के नीचे का पार्ट नहीं लगेगा, राइट? आई एम गोइंग टू ट्रिम दैट रीजन. सो आई एम अज्यूमिंग दैट समवेयर लाइक हियर आई वुड वांट टू ट्रिम इट. सो आई एम गोइंग टू यूज फिनिश ट्रिम. मैं पूरा पीछे का पार्ट रिमूव कर दूंगी. राइट, आई एम गोना क्लिक अप्लाई. So if you see, आपका पीछे का पार्ट अभी क्लियर हो चुका है एंड यू जस्ट हैव दिस स्लॉट रिमेनिंग. अगेन व्हाट यू वांट यू कैन डू इज इन केस आपको ऐसा लग रहा है कि आपका स्लॉट नीचे काफी एक्सटेंड हो रहा है, तो मैं मैंडिबल यस आपको लग रहा है ये काफी नीचे तक एक्सपांड हो रहा है, तो यू कैन मेजर अ मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द स्लॉट. से यू वांट टू मिनिमम एक 2 mm का डिस्टेंस रख के या 1.5 तक का डिस्टेंस रख के यू कैन ट्रिम इट.
राइट, तो या जो नीचे का भी एक्सेस था वो भी ट्रिम हो चुका है. So now if you see, you have a good fixation point below. And you also have these flanges on both the sides supporting you while you make the cut. So basically this is how you create a surgical guide. This is not technically how... लाइक कि आप ऐसे ही कर सकते हैं. आप अपना सर्फेस चाहिए तो मॉडिफाई कर सकते हैं, आपके स्लॉट्स चेंज कर सकते हैं. एज इन दिस इज बेसिकली आप एक मोटा मोटी प्रोसीजर कि आपको क्या स्टेप्स करने हैं या क्या क्या ऑपरेशंस आपको करने हैं ताकि आपका सर्जिकल गाइड क्रिएट हो, ये बेसिकली उसका डेमो था. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टूल्स एंड डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, हाउ यू कैन क्रिएट अ सर्जिकल गाइड, हाउ यू कैन क्रिएट अ स्लॉट, राइट? Do you have any doubts regarding this? Slot creation, plane creation, any doubts? Because this steps or this procedure that I have shown basically indicates ki aapko this can be a routine protocol. Bas aapka thickness modify ho jayega ya aapka slot change ho jayega, you know, varying to what basically you want. As your end result, या आपके location के mandible के location के हिसाब से आपके flanges change हो जाएगा या आपका lower surface change हो जाएगा, but the tools that you will generally use will remain something similar only. So I hope you've understood the tools and the concept basically कि slot का plate 0.5 क्यों पहले किया, फिर उसको thickness क्यों दिया, right? So what you have to understand is कि आप software में सब create कर लोगे, but आपका कुछ रिस्ट्रिक्शंस आता है जब आप प्रिंट करते हो या उसको यू नो फिजिकली रिक्रिएट करने जाओगे तब. तो ये जो 3mm का मैंने थिकनेस दोनों साइड पे दिया, ये इसलिए था क्योंकि आपका मिनिमम थिकनेस जब आप 3D प्रिंटिंग में किसी चीज को प्रिंट करते हो तो आपको मिनिमम थिकनेस 1.5 टू 2 का लगता है. 3 बेसिकली गिव्स इट अ गुड स्ट्रेंथ ताकि आपका सर्जरी करते समय ये गाइड टूटे नहीं, राइट? Similarly, जो मैंने बेस सर्फेस को भी थिकनेस दिया था इन द इनिशियल पार्ट ऑफ 2.5, अगेन द कॉन्सेप्ट वाज सिमिलर. आप इसको 0.5 या 1mm का भी थिकनेस दे सकते हैं, बट अ थिकनेस हायर देन 2.5 एंश्योर्स दैट यू नो योर जिग विल नॉट ब्रेक ड्यूरिंग द सर्जरी. सो यू कैन ऑफकोर्स डू ऑल योर सिमुलेशन पॉसिबल इन द सॉफ्टवेयर. नॉट एवरीथिंग कैन बी फिजिकली रिकंस्ट्रक्टेड एंड प्रिंटेड, तो उसके हिसाब से आपको थोड़ा टैली करना पड़ेगा कि आप क्या पॉसिबल है क्या नहीं पॉसिबल है, एंड अकॉर्डिंगली यू विल हैव टू चेंज योर पैरामीटर्स, योर वैल्यूज एंड योर इनपुट. सो वी हैव क्रिएटेड द जिग, वी हैव अंडरस्टूड हाउ वी टेक कटिंग प्लेन्स, राइट? वी हैव अंडरस्टूड हाउ वी फिक्स फाइल्स बेटर. अभी कल आई मीन डू यू हैव एनी डाउट्स फॉर दिस और डू यू वांट टू प्रैक्टिस इट एट योर एंड एंड देन वी कैन डिस्कस टुमारो? ओके मैं प्रैक्टिस. ओके मैम. श्योर. सो हाँ मैम परिणीता. यस मैम. क्या किया जाए कल MRI से TMJ डिस्क किया जाए? कल MRI से TMJ मैम MRI का ना एक्चुअली मैंने अभी डाउनलोड किया. मैं क्वालिटी चेक करके ना आपको एक बार बताती हूँ कि MRI कैसा है. तो आपको इसके लिए TMJ ही करना है ना मैम? हाँ डिस्क करनी है TMJ की. डिस्क मैम मतलब फोसा पार्ट एंड ये पार्ट ना, पॉली और ये वाला पार्ट आपको करना है, राइट? फोसा और ग्लेनाइट फोसा के बीच में जो जॉइंट डिस्क है टेम्पोरल डिस्क वो निकालनी है. हां अंडरस्टूड अंडरस्टूड. तो वो भी आपको प्रिंट प्रिंटेबल फाइल में ही लगेगा, राइट? हाँ प्रिंटेबल फाइल में लगेगा. ओके ओके. तो आई हैव अंडरस्टूड. तो फिर हाँ मैं वही करती हूँ. तो इसी पेशेंट के साथ कर सकते हैं मैम चाहिए तो? इसका MRI नहीं होगा, वो डिस्क तो MRI में दिखेगी, तो MRI जिस पेशेंट का है उसी से चाहिए होगा. तो मैम उसका मुझे CT भी लगेगा फिर उस पेशेंट का, क्योंकि बोन हम लोग MRI से एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे. बोन अच्छा रवि, हम लोग ने उसका पेशेंट का सेम पेशेंट का सीटी भी भेजा है क्या? नहीं मैम, सीटी स्कैन तो उस पेशेंट का नहीं है मैम, MRI है. मतलब ये मुझे आईडिया नहीं था कि हम सेम पेशेंट का चाहिए होगा, तो मैं सेम पेशेंट का अरेंज करता हूं. MRI से जितना निकाल पाए उतना निकाल लो.
मैम अगर सिर्फ एक्सप्लेनेशन के हिसाब से देखना तो अपन कर सकते हैं, क्योंकि एमआरआई से बोन बहुत खराब निकलता है. मैं चाहिए तो आपको ना इमेजेस आज निकाल के भेजती हूँ कि क्या, बिकॉज इट्स वेरी पुअर क्वालिटी. मतलब काम ही नहीं कर पाएंगे उससे, सर्फेस एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे. तो सॉफ्ट टिश्यू के लिए वो बेहतरीन है एमआरआई, बट सीटी मतलब बोन एक्सट्रैक्शन एरर बहुत देता है, मतलब बहुत ज्यादा एरर देता है. तो आइडियली क्योंकि अभी आजकल नए पेशेंट्स के कुछ हो नहीं रहे सीटी एमआरआई, ये सब पुराने पेशेंट का ही है, तो इसलिए निकाल पाना बहुत मुश्किल है कि सेम पेशेंट का सीटी. और डिस्क तो बोन नहीं है, सॉफ्ट टिश्यू. हेलो हेलो. हां मैम, नहीं मतलब थर्ड समवन वाज सेइंग डिस्क बोन समथिंग. हाँ, विग्नेश कह रहे थे कि हमें बोन नहीं चाहिए, हमें सिर्फ डिस्क डिस्क उसमें से निकाल के देखना है, डिस्क को ही सेगमेंट करके देखना है. हाँ, तो फिर सिर्फ डिस्क सेगमेंट करना तो एमआरआई देख लेंगे ना मैम. मैं वही बोल रही थी, अगर सिर्फ सॉफ्ट टिश्यू का सिमुलेशन देखना है तो वी कैन डेफिनेटली डू एमआरआई, दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम. तो हमें बेसिकली ये देखना है कि जब डिस्क मूवमेंट हो रहा है तो डिफरेंट पोजिशन में डिफरेंट जगह होगी डिस्क, तो ये हम देखना चाह रहे हैं कि इम्प्लांट जो आप पीएसआई बनाओगे उसका बेस सरफेस आप कैसे रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो, मैं वो आपको बता दूंगी. सो दैट शुड टेक लाइक पीएसआई हम दो चीज में देखना चाह रहे थे. PSI हम दो चीज में देखना चाह रहे थे. Okay. PSI हम एक ये मैंडिबल देखना चाह रहे थे, एक ऑर्बिटल फ्लोर देखना चाह रहे थे. एक ऑर्बिटल फ्लोर, ठीक है मैम. तो मैं वही बता, एक ये वाला कर लेते हैं प्रैक्टिस में. और मैम मुझे अभी तक वो रिडक्शन वाला भी स्कैन नहीं आया है, कोई फ्रैक्चर या रिडक्शन का जिस पेशेंट. हाँ, वो मैं अभी भेजती हूँ, मेरे पास आ गए, मेरे को बस मेल करना है, मैं मीटिंग के बाद भेज रही हूँ. ठीक है मैम, चलेगा. तो फिर कल ये PSI वाला खत्म कर लेंगे जो मैंडिबल का है, एटलीस्ट we'll finish this tomorrow, then we'll do the MRI. आपने बोला MRI disc extraction, right? TMJ disc disc वाला. मैं लिख लेती हूँ. Right? And we'll finish this PSI tomorrow. And then later, maybe कल ये complete करने के बाद आप अपने side पर orbital एक बार practice कर सकते हैं. नहीं हो रहा है तो of course I can definitely show you. So we can take a common patient जिसके लिए मैं create करके रख दूँगी अपने side से. और अगर आप लोग को दिक्कत आती है तो आई जस्ट लेट यू नो कि मैंने उस सेम पेशेंट के लिए कैसे क्रिएट किया रहेगा. तो दैट आल्सो वी कैन डू, दैट्स फाइन. हां ठीक है. तो फॉर टुमारो देन द एजेंडा इज सेट, वी विल फिनिश दिस PSI ऑफ रिक्रिएटिंग स्क्रूज कैसे लग सकते हैं, स्क्रू फिक्सेशन कैसे होता है वो, एंड देन वी विल डू प्लेट अडैप्टेशन भी इसी में सीख लेंगे. प्लेट अडैप्टेशन या प्लेट बनाना या इम्प्लांट बनाना, दोनों ही चीज सीख लेंगे. हां मैम, तो ये जो इम्प्लांट बनेगा उसके आगे प्लेट अडैप्शन भी तो होगा ना फिक्सेशन के लिए. तो वही उसी में स्क्रू फिक्सेशन प्लेट क्रिएशन आ जाएगा. सो वंस वी कम्प्लीट दिस देन वील मूव ऑन टू TMJ डिस्क एक्सट्रैक्शन फ्रॉम MRI दैट यू हैव सेंट मी. सो वी कम्प्लीट दीज टू थिंग्स टुमारो. ठीक है, और हमें उसी में एक वो भी सीखना होगा जो आपने कॉन्डाइल निकाला था ना, राइट राइट, सेगमेंट करके मुझे दिया था, तो उसी कॉन्डाइल को अगर हमें PSI बनाना है तो कैसे बनाएंगे, वो भी उसी में कर लेंगे. उसी कॉन्डाइल को PSI बस तो एक हो जाएगा तो सबको पता चलेगा कि कैसे कर सकते हैं चेंज. यस मैम, सो आगे का जो है ना मैं वैसे ही करने वाली हूँ. व्हाट आई एम गोइंग टू नाउ डू इज आई एम गोइंग टू इंपोर्ट दैट कॉन्डाइल एंड कनेक्ट माय सरफेसेस विद द कॉन्डाइल, क्योंकि आपको कॉन्डाइल तो सिमिलर ही लगेगा ना पेशेंट जैसा. तो वो जो एक्सपेक्टेड कॉन्डाइल था मैं उसको लाके आपको PSI कैसे कन्वर्ट करना है वो बताऊंगी. हाँ हाँ, तो वो कवर हो जाएगा इसमें. ठीक है मैम, ठीक है ठीक है. हाँ ओके, या ओके, थैंक यू मैम. देन यू कैन ऑल प्रैक्टिस एंड कम बैक टुमारो, देन वी कैन यू नो एड्रेस द डाउट्स आल्सो एंड मूव अहेड, राइट. थैंक यू. ओके मैम, थैंक यू.